नौदीप कौर की गल करते हैं। सब तो पहला नौदीप कौर वालों हरियाणा पुलिस से वड्डा इल्जाम लाया गया। जी हाँ, जेल के अंदर पुलिस ने नौदीप कौर के उपर तशद्दुद हटाया। यह इल्जाम खुद नौदीप कौर ने लाए ने। उन्होंने कहा कि मैनू वाला तो फड़ के घड़ीसिया गया, बुरे तरीके कुटमार की गई। मेरी गिरफ्तारी समय भी कोई भी महिला मुलाजम उ मौजूद नहीं सी। मेरे तो जबरदस्ती खाली कागजा के उपर दस्तखत करवाए गए। तुहानू दस दिए नौदीप कौर की रिहाई हो चुकी है। कल नौदीप कौर जेल तो रिहा होकर परते ने ते अज हरियाणा पुलिस के उपर उन्होंने वालों गंभीर इल्जाम लगाए गए ने। जब मुझे पकड़ा गया है 12 तारीख को, तो मुझे कोई महिला कोई भी कांस्टेबल नहीं थी उनके साथ, तो मुझे बालों से घसीटते हुए पकड़ के मुझे चार पुलिस भाई मैंने नीचे गिरा के, पहले तो उन्होंने बहुत ज्यादा मारा, लेकिन जब उनको पता चला कि बाकी उनके लोग हैं तो वहां पर मुझे एक गाड़ी में ले जाकर एक इंडस्ट्री एरिया के बिल्कुल पीछे जाकर सुनसान रास्ते पे खड़ी करके चारों तरफ से गाड़ी खोल दी गई। और मुझे नहीं पता जिनकी वर्दी पहनी हुई थी जिनकी वर्दी नहीं पहनी हुई थी, चारों तरफ से मुझे थप्पड़ मारे, कोई मेरे बाल खींच रहा था, एक ने पीछे से मेरे बाल खींचे, एक ने मारना शुरू किया। फिर जब वहां पे कुछ मजदूर खड़े हुए थे, पता नहीं वो वीडियो बना रहे थे क्या कर रहे थे, फिर उन लोगों ने इसी डर से कि भाई यहाँ पे किसी ने कोई तो पता चल जाएगा, क्योंकि महिला कांस्टेबल कोई नहीं थी, फिर मुझे कुंडली थाने में लेके आया गया। फिर कुंडली थाने में मुझे मतलब 10 नंबर कमरा है, शायद फर्स्ट कमरा है, वहाँ पे मुझे ले जाकर बहुत बुरे तरीके से मारा गया है और मुझे बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके गया, मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी गई। फिर मुझे जब मार रहे थे तब कुछ मजदूर आते हैं गेट पे रिहाई की मांग करने के लिए, तो जो पुलिस है उनको खदेड़ने के लाठी चार्ज करते, जब पीछे हो जाते हैं तो मुझे एक छोटी गाड़ी में डालकर, वो बड़ी गाड़ी आगे रख दी जाती है, छोटी गाड़ी के में डालकर वो कच्चे रास्ते से मुझे इधर लेके आया जाता है, क्योंकि ये पूरा रास्ता बंद था किसानों की वजह से, तो मुझे कच्चे रास्ते से मुझे सोनीपत लेके आया जाता है। तो रात का टाइम था तो मुझे कुंडली सोनीपत का एक थाना था, दो थाने, मुझे इतना नहीं एग्जैक्ट पता है कौन सा थाना था, पता नहीं, क्योंकि मैं रात का टाइम था। और फिर मुझे ऊपर बैठ गए दो पुलिस वाले और मुझे जबरदस्ती बोल रहे कि साइन कर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे साइन करने के लिए बोला गया, बहुत सारे जो उनके पास प्लेन कागज थे और बहुत सारे कागज थे, मुझे साइन करने के लिए बोला गया। और एक जने ने मेरे बाल पकड़े, एक जने मेरे पेन दिया हाथ में और मुझे बोला गया ऊपर बैठ के कि साइन कर जबरदस्ती, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे साइन करने पड़े, जबरदस्ती साइन करवाए गए और मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा गया था, मैं चल नहीं पा रही थी अच्छे तरीके से। और मुझे हॉस्पिटल में जब लेके जाया गया, मेरा कोई मेडिकल नहीं हुआ गया, हालांकि ये साबित किया जा रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से मेडिकल रोका है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन। मैं इतनी बुरी तरीके से थी कि मैं चल नहीं पा रही थी अच्छे तरीके से।